So it's not just export, but there are many opportunities in this import-export industry. It's the ocean, and you will find immense opportunities for all kind of businesses in this industry. So businesses ka business hai import export, aap dekhenge to. Kyunki humne dekha hai market mein, kafi sare bade manufacturers market mein hai, bade bade exporters hai, aur unse bhi bade, humne dekha hai ki brokers market mein baithe hai. Kyunki wo multiple products mein aur multiple country ke saath kaam karte hai. Unka business bahut bada hai manufacturers se. Matlab yahan pe sabhi ke liye mauka hai, aapke liye bhi mauka hai. Right? Agar aap naya business dhoond rahe ho aur soch rahe ho, to definitely Exim is one of the best business opportunity. क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, आप इंपोर्ट में भी काम कर सकते हैं. With the same company, same licenses, everything is same. You get many opportunities. तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले यह देखना है कि उस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है और आपकी बिजनेस बिल्ड करने की स्ट्रेटेजी क्या है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए. और इसके लिए आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए. जैसे कि अगर आपको एक्जिम इंडस्ट्री में आना है तो आपको एक्जिम नॉलेज होना बहुत जरूरी है. उसके बाद ही आपको दिखेंगी अपॉर्चुनिटीज. So there are many opportunities in Exim business. But before that, you need to understand how to grab them. So, जो भी आपका background है, qualification है, आपका financial capacity है, industry का knowledge है, network है, वो सब ध्यान में रखते हुए आपको इंडस्ट्री या प्रोडक्ट चूज करने चाहिए. और फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है. उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि क्या रोल आप इस इंडस्ट्री में प्ले कर सकते हो. जैसे कि आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हो, प्रोड्यूसर बन सकते हो, फार्मर बन सकते हो. उसके बाद आप वो प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना पड़ता है तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो. उसके बाद आपको लॉजिस्टिक में अगर इंटरेस्ट है तो लॉजिस्टिक में जाएंगे. वो प्रोडक्ट आपको फैक्ट्री से पोर्ट तक लाना है तो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक हो गया, और वो पोर्ट से दूसरे कंट्री के पोर्ट पर भेजना है तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हो गया. उसमें भी मौका है. उसके बाद आप एक्सपोर्टर बन सकते हैं. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास मार्केटिंग सेल्स स्किल है, तो आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक्सपोर्टर बन सकते हैं. अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं और एक्सपोर्टर को हेल्प कर सकते हैं. फिर कंसल्टिंग में आप बैंकिंग में जाइए, रिस्क मैनेजमेंट में जाइए, आप इंस्पेक्शन में जाइए. इन सब में आप कंसल्टिंग का काम आराम से कर सकते हैं. इतना ही नहीं, आप इंपोर्टर भी बन सकते हैं. कुछ लोग तो इंपोर्ट करके वैल्यू एडिशन करके री एक्सपोर्ट भी करते हैं. राइट? तो आप बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बिजनेस भी कर सकते हैं एक साथ. और कुछ लोग तो ऑलरेडी हमारे एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम कर रहे, तो वो बड़े बड़े प्रोडक्ट इंपोर्ट करे और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इतना ही नहीं, आप इस इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हमारे पास आते हैं. हमें अच्छे लोग चाहिए, प्लीज प्रोवाइड रिसोर्सेस, मैन पावर, इसकी काफी डिमांड है. तो हम सब ऑलरेडी इसमें काम कर ही रहे, क्योंकि भारत को भी अपना टारगेट $2 trillion का अचीव करना है. तो अगर आप भी नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. जस्ट मेक अ डिसीजन एंड आई कैन गारंटी यू वी विल ऑफर यू ऑल एक्जिम नॉलेज, नेटवर्क एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. सो जस्ट मेक अ डिसीजन एंड ज्वाइन अस. थैंक यू ऑल.